तो हाँ जी भैया, क्या लगता है इस बार एमसीडी के चुनाव में क्या होने वाला है? आपके साथ कैसा काम धंधा हो रहा है? काम तो पूरा ठप्पा चल रहा है भाई साहब। अच्छा, तो मतलब बिजली पानी की जो व्यवस्था है वो कैसी होने वाली है? अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे बिजली के लिए मार, पानी के लिए मार चल रहा है, लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और कल्याणपुरी में मौजूद हैं, तो क्या आपके यहाँ भी ऐसी समस्या है? पानी तो देखिए है ही नहीं, पानी तो यहाँ कुल बेचारे कुल यहाँ जाकर कुल इकट्ठे ले रहे हैं। अगर कुल के घर पे रहता तो घर पे लेते जाके अपना अपना ना, ऐसे यहाँ रोड पे आना पड़ता सबको। देखिए, कल्याणपुरी में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं अभी ई रिक्शा से उतरे हैं और दिल्ली दर्शन के लिए हम आए हैं। और दिल्ली में इसलिए आए हैं, अब यहाँ पे कल्याणपुरी में इसलिए आए हैं क्योंकि चुनाव होने वाला है एमसीडी का। और यहाँ पे पानी को लेके सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कितनी ज़्यादा किल्लत है, लोग पानी के लिए कितना ज़्यादा लड़ रहे हैं। कल्याणपुरी में हम अभी मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि ये सारी चीज़ें दिखाएँ कि पानी और सफाई का क्या यहाँ पर व्यवस्था है। और यहाँ पे लोग परेशान हैं फिलहाल पानी के लिए भी। अगर हम इस एरिया को चारों तरफ से देखें तो इस एरिया को देखेंगे कि कितनी यहाँ पे गाय बैठी हैं, इधर कचरा फेंका हुआ है, लोग वहीं से पानी भी भर रहे हैं, पीने के लिए पानी भर रहे हैं। कितनी ज़्यादा साफ सुथरा भी नहीं करने आते ना, यहाँ पर कोई देखभाल ही करने आते सर जी, बहुत गंदगी रहती है यहाँ पर। कितनी ज़्यादा समस्या होती है आपको यहाँ पे पानी के, पानी को लेके बहुत परेशानी उठाना पड़ता है, क्या करा जाए? बच्चे छोटे छोटे एक दिन में कहते रहते हैं, ये ट्रैक्टर वाला एक दिन में एक आता रहता, बाकी सुविधा होता रहता, नहीं तो घर पे वहाँ लगा हुआ नहीं है फिलहाल तो। 50-60 टूटियाँ उटिया लगी रहती है। अच्छा, लाइट भी नहीं है। अब देखिए झुग्गियों में आप रहते हो, देखिए सफाई के ऊपर, कूड़े के ऊपर बात हो रही है, लेकिन देखिए यहाँ पे लोगों के पास पानी बहुत लेट होता है। मच्छर, डेंगू की भी बात हम कर रहे हैं, डेंगू बढ़ रहे हैं, लेकिन इसीलिए लोग भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि मच्छर की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। लोग पानी की व्यवस्था से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हैं, यहाँ पे सफाई से भी काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हैं। हमने लोगों से बात करी, और भी लोगों से बात कर गए कल्याणपुरी में। आइए आपको कल्याणपुरी के दर्शन कराते हैं और कुछ सड़कें दिखाते हैं, कुछ सफाई और कुछ नालों की हकीकत दिखाते हैं कि इस चमकती धमकती रात की रोशनी में जो दिल्ली जितनी सुंदर दिखती है, ऊपर से आसमानी जितनी सुंदर दिखती है, उतनी ही गंदगी शायद अभी ज़मीन पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं एमसीडी के चुनाव में ये सभी तकलीफें देने वाली हैं। कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो।